चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। ये एक टावर है, ठीक है, यहाँ से बॉल थ्रो की गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे गिरेगी, ठीक है, इंटेंशनल मोशन ऊपर की तरफ है और राइट साइड में है, तो ऊपर का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे का डायरेक्शन निगेटिव, ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर h निगेटिव होगा जो कि 70 मीटर है, तो माइनस 70 होगा, अच्छा g नीचे है तो g भी निगेटिव होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा कितना कह रहा है, कितना टाइम लगेगा ना, तो टाइम एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, सॉरी हाँ इसको ठीक कर दें, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई क्या है, माइनस सेवेंटी कर दिया, यू वाई कितना होगा, यू वाई वर्टिकल डायरेक्शन में ये यू है, यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, u साइन 30 डिग्री, u की वैल्यू 50 साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 25 आ गया u y की वैल्यू, और वो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव प्लस 25 t आपको निकालना है टाइम, और ay मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है माइनस g, g की वैल्यू 10 रख देते हैं तो माइनस 10 कर दे रहे हैं इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, 25t माइनस 5t स्क्वायर या 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 70 इक्वल टू जीरो, x से डिवाइड करते हैं तो t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 इक्वल टू जीरो, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करते हैं, 70 प्लस 2t माइनस 14 इक्वल टू, g की वैल्यू ध्यान रखना हमने 10 रखी है, 9.8 रखोगे तो हो सकता है एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आ जाए रिजल्ट की, टी कॉम्बिनेंट टी माइनस 7 और 2 सॉरी यहाँ क्या कॉमन ले लें प्लस 2 टी माइनस 7 इक्वल टू 0, तो टी माइनस 7 यहाँ से कॉमन ले लिया टी प्लस 2, तो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता तो ये वाला तो नहीं होगा, टी माइनस 7 इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड, तो जी की वैल्यू हमने 10 रखी है, ध्यान रखना है ये जी की वैल्यू हमने 10 रखी है, 9.8 रखते तो हो सकता है ज़्यादा एक्यूरेट आता, तो 7 सेकेंड के सबसे क्लोज कौन सा ऑप्शन है, 6.3 सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जो क्लोजेस्ट आंसर होता है वो आप लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।